उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कैंट स्थित 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर की ओर से क्रांति शौर्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सभी सैन्य अधिकारियों, बहादुर जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव का प्रतीक है। सेना के शौर्य व पराक्रम पर कोई भी भारतीय संदेह नहीं करता। देशवासी इसके शौर्य व पराक्रम को न केवल जानते हैं बल्कि अटूट विश्वास भी करते हैं। वहीं भारतीय सेना का स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमारे सैनिकों ने युद्ध काल व शांति काल में देश की रक्षा व सेवा का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। जीवन की परवाह किए बिना भारतीय जवानों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में दुर्गम स्थानों पर रहकर भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता की सदैव रक्षा की है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के बाद गठित होने वाली पहली रेजिमेंट के रूप में ये गौरव गोरखा राइफल को प्राप्त है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। वर्ष 2018 में यूपी इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की थी। राज्य सरकार इस डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में डीआरडीओ, ब्रह्मोस का झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। मार्च 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनपद अमेठी में भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया था। उत्तर प्रदेश में एचईएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि इकाइयां सेना की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। फरवरी 2020 में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 का सफल आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर डिफेंस कॉरिडोर में निवेश हुए हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुए हैं। डिफेंस कॉरिडोर जहां एक और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया संकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर भी सुलभ कराएगा।